हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मेरे सामने है मारुति सुजुकी ब्रेजा VXi। तो आज इसमें लगाने वाले हैं रियर कैमरा। तो किस प्रकार से इसमें लगाया जाता है कैमरा पूरी वीडियो दिखाएंगे और क्या इसका प्राइस है वो भी बताएंगे। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहें। तो बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है देखिए मारुति सुजुकी जेन्युइन एसेसरीज कैमरा, और ये है देखिए हार्नेस। इस तरह से ये जो है हार्नेस, ये इसमें कहीं पर भी वायरिंग कटिंग नहीं होगा, कॉपलर टू कॉपलर फिटिंग आएगा। ये जो है स्क्रीन से लेकर पीछे डिक्की तक इसका वायरिंग होगा। और ये देखिए कैमरा है, कैमरा दिखाते हैं। ये कैमरा है जो डिक्की में लगाया जाएगा। इस तरह से दिखाते हैं किस तरह से इसमें लगाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लगाया जाएगा। तो सबसे पहले ये जो पैनल है डिक्की पैनल, इसे ओपन करेंगे। ये ब्लैक वाला जो है, तो ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है ब्लैक सा ये निकाल लिया जाएगा, और जो कैमरा के साथ में आता है वो लगा दिया जाएगा। इसमें 10 नंबर बोल्ट से टाइट रहता है, तो 10 नंबर बोल्ट से टी रिंच से इसे खोल लिया जाएगा और उसके बाद लगाया जाएगा। तो इस तरह से इसे टी रिंच से खोलने के बाद यहाँ पर बाहर में खींचने से ये जो पैनल है ये बाहर आ जाएगा। खींचने पर ये बाहर की ओर खींचने पर बाहर आ जाता है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर देखिए वायर लगा हुआ है, डिक्की लॉक अनलॉक करने का जो स्विच का वायर है इसे निकाल लिया जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे देखिए टाइट रहता दो स्क्रू से इसे खोल लिया जाएगा इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे खोल लिया जाएगा, और ये दो बोल्ट रहता है इसमें, दो बोल्ट को निकाल लिया जाएगा और जो नया लगाएंगे उसमें ये बोल्ट उसी में फिटिंग होगा। तो इस तरह से इसमें निकाल लेंगे, और ये जो है लॉक अनलॉक डिक्की का जो स्विच है इसे भी यहाँ पे खोल लेंगे इस तरह से। ये देखिए डिक्की लॉक अनलॉक का स्विच है, इसे अच्छी तरह से ओपन कर लिए। और ये देखिए कैमरा के साथ में जो आया है इसमें लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए कैमरा का कटिंग दिया हुआ है, इसी में कैमरा सेट होगा और स्विच भी सेट होगा इस तरह से इसमें। और यहाँ पर देखिए स्क्रू को टाइट किया जा रहा है, और साथ में एक स्क्रू भी आता है उसे भी यहाँ पे टाइट किया जाएगा इस तरह से। एक कैमरा वाला में यहाँ पे भी इसे टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से, और ये जो प्लास्टिक का छोटा सा देता है यहाँ पे इसे लगा लेंगे। देखिए लगने के बाद यहाँ पर इस तरह से इसका लुक आ रहा है, और बोल्ट को यहाँ पे लगा लेंगे जो निकाले थे पहले वाला से। इस तरह से दोनों साइड बोल्ट को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो पैनल निकाले थे इसमें इस तरह से टाइट किया जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। सिर्फ दो स्क्रू से यहाँ पे टाइट कर लिया जाएगा। टाइट करने के बाद देखिए ऐसा दिखेगा, इसे अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर लिया गया है इस तरह से। देख सकते हैं यहाँ पे पूरी हो गया है पैनल का। अब इसे सेट करेंगे डिक्की में। तो यहाँ पर देखिए लॉक अनलॉक का जो वायर है उस यहाँ पे सेट कर लिए, और जो कैमरा का वायर है इस तरह से यहाँ पे रबड़ को अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर लेंगे। इस तरह से सेट किया जा रहा है देखिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए सेटिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए कैमरा इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे, और जो कैमरा का वायर है और लॉक अनलॉक का जो वायर है कॉपलर है उसे यहाँ पे देखिए जो जहाँ से खोले थे वहाँ पे लगा देंगे लॉक अनलॉक का। और ये वाला जो कैमरा का है ये यहाँ पे देखिए दिया गया है कैमरा का वायर, इसमें कॉपलर टू कॉपलर हो जाता है, कहीं पर भी कटिंग नहीं हो रहा है। इस तरह से सेट हो गया है देख लीजिए। और जो बोल्ट खोले थे यहाँ पे टाइट कर लेंगे दोनों साइड, और दो बीच में भी रहता है चार, उसे भी टाइट कर लेंगे। और जो पैनल है इसे अच्छी तरह से यहाँ पे लगा लिया जाएगा।
इस तरह से देखिए लगने के बाद इसका लुक आ रहा है। अब जो है हार्नेस का वो स्क्रीन से पीछे तक लाएंगे, स्क्रीन से पीछे तक साइड से लाएंगे और यहाँ पर देखिए कॉपलर रहता है, यहाँ पे लाकर लगा दिया जाएगा। तो सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम को पैनल को ओपन करना होगा, ओपन कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ ओपन हो गया है और जो वायर है हार्नेस है देखिए ये ग्रीन कलर का, ये चल जाएगा म्यूजिक सिस्टम स्क्रीन के साथ जाके वहाँ पे कॉपलर में सेट हो जाएगा। इसको टाई बेल्ट की मदद से साइड साइड से यहाँ पे लाया गया है और यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है सिस्टम में वहाँ पे जाके कॉपलर में सेट हो जाएगा। यहाँ पे तो इसे सेट करके दिखाते हैं, देखिए इस तरह से इसे यहाँ पे ये सेट हो गया और साइड साइड से पीछे ले जाएंगे क्वार्टर गिलास के पास इस तरह से साइड से टाई बेल्ट की मदद से टाइट करके पीछे जाएगा यहाँ पर और इसे फाइबर को जो है पीछे का इसे इस तरह से खोला जाएगा। इस तरह से खींचने से बाहर की ओर आ जाता है, उसके बाद ऊपर वाला जो है पेचकस की मदद से इसे ओपन कर लेंगे। इस तरह से खींचने पर बाहर ये आता है, इधर से भी ओपन करेंगे, ये खींचने पर देखिए बाहर आ गया है इस तरह से। अब यहाँ पर जो हार्नेस लाए थे स्क्रीन से साइड साइड से यहाँ पर ले जाएंगे और यहाँ पर देखिए कॉपलर दिया हुआ रहता है गाड़ी में पहले से। ये कॉपलर CNG VXI में नहीं आता है और LXI में भी ये कैमरा नहीं सेट होगा, ये सिर्फ पेट्रोल VXI में सेट होगा, ब्रेजा VXI में। इस तरह से देखिए सेट कर लिया गया है और देखिए ये कैमरा लग गया है, पूरा फिटिंग हो गया है। अब दिखाते हैं बैक गियर लगाकर, तो इस तरह से देखिए रिवर्स गियर लगाने पर इस तरह से देखिए पीछे का पूरा व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो पूरी कैमरा का फिटिंग हो चुका है। कैमरा का प्राइस की बात कर लेते हैं, तो कैमरा की प्राइस जो है 4550 रुपये का ये आता है, इसका जेन्युइन रेट है, मारुति सुजुकी का जेन्युइन एसेसरीज है। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।